हरे कृष्ण राधे राधे। एक विचार, अच्छाई और बुराई क्या है? अच्छाई और बुराई सब हमारा खुद का स्वभाव है, है ना? अच्छाई से हम भगवान को देखते हैं, बुराई से शैतान को देखते हैं। और विश्वास रखिए, ये हर इंसान के अपने खुद के अंदर होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी देश में एक बहुत बड़ा पेंटर था। वो जब वो यंग था बहुत ज्यादा, तो उसने सोचा कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊंगा जिसमें जिसको देखते ही लोगों को भगवान की फीलिंग आए, भगवान का उसमें आनंद झलकता हो। मैं ऐसी दो आंखें बनाऊंगा जिसमें अनंत शांति हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोजूंगा जिसके अंदर ये क्वालिटी हो, और उसको देखकर मैं भगवान के स्वरूप उसका चित्र बनाऊंगा। अब उसने ये मन में तो सोच लिया। अब वो देश के गांव गांव घूमा, जंगल जंगल उसने छाना उस आदमी को ढूंढने के लिए कि वो जिसका चित्र बना सके। बहुत खोजने के बाद उसने एक पहाड़ पर एक गाय चराने वाले एक चरवाहे को देखा। उसे देखते ही उसके मन में आया कि अब मेरी खोज पूरी हो गई है। उस चरवाहे की आंखों में एक अलग ही झलक थी। उसके चेहरे की रूपरेखा में कोई बहुत गहरी बात थी। अब वो पेंटर उसे देखे जा रहा है, उसको तो बहुत ही अच्छा लगा। उसने बोला कि बस अब तो मुझे इसी का चित्र बनाना है, यही मेरे परमात्मा है। और उसने उसको सामने बिठाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया। उस चित्र की लाखों कॉपियां बनवाई गई, गांव गांव दूर के क्षेत्रों में वो बिकी। लोगों ने इस चित्र को अपने घर में टांग कर अपने आप को धन्य समझा, है ना? क्योंकि भगवान के उसको हम जब पूजते तो किसी ना किसी का तो समरूप बना ही होता है। फिर कोई 20-25 साल निकल गए। अब वो चित्रकार जो था वो बूढ़ा हो गया था। अब वो विचार कर रहा था कि भाई अपने जीवन के एक्सपीरियंस से मुझे ये तो पता चला है कि हर इंसान के अंदर एक भगवान होता है, पर हर इंसान के अंदर एक शैतान भी जरूर होता है। अब उसने सोचा मैं एक ऐसा चित्र बनाऊंगा जिसपे शैतान की छवि होगी, और फिर जब मैं अपने दोनों चित्रों को, जो मैंने बहुत पहले भगवान का बनाया था और अब जो मैं शैतान का बनाऊंगा, उसको जब मैं सभी को दिखाऊंगा तो लोगों को फर्क समझ में आ सकेगा। अब फिर उसने सोचा कि मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढूंगा जिसकी आंखों में खूब शैतानियत हो और जो बिल्कुल उसको बता सके कि इंसान में कितनी बुराई हो सकती है। अब वो उसको ढूंढने लगा कि भाई कोई ऐसा इंसान मुझे मिले, और ऐसे शैतान इंसान को वो कहां ढूंढ सकता था? वो जुआ घरों में, शराब खानों में, पागल खानों में उसको खोजने लगा। खोजते 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 उसको कोई आदमी मिल ही नहीं रहा था कि भाई जिसकी आंखों से मुझे वो शैतानियां दिख सके, जिसके चेहरे की आकृति ऐसी हो जो सबको बता सके कि हमारे अंदर कितनी बुराई हो सकती है, जो देखने में बहुत कुरूप हो, बहुत ज्यादा बदसूरत हो। और वो पाप की प्रतिमा को खोज रहा था, है ना? क्योंकि उसका एक मेन मोटिव सबको बताना तो यही था। अब उसने बहुत खोजा खोजा खोजा, नहीं उसको कोई भी मिला। फिर वो एक बार एक जेल में गया। वहां जेल में उसे एक आदमी मिला। अब एक उसने उस आदमी को देखा, उसने 7 हत्याएं की थी, 7 मर्डर्स किए थे, और थोड़े दिनों में उस आदमी को फांसी की सजा दी जानी थी। अब उस आदमी को देखते के साथ ही उसकी आंखों में उसे ऐसे लगा जैसे शैतानियत है, नर्क के दर्शन तो मुझे साक्षात यही हो रही है, और घृणा बुराई वो तो बहुत ही उस आदमी के अंदर भरी पड़ी थी। अब उस आदमी को देखकर उसने बोला कि अब मेरी खोज पूरी हुई है और अब मुझे शैतान का चित्र बनाने में मदद मिल जाएगी। अब उसने उसको सामने बिठाकर जैसा उसने मन में सोचा था उसी तरह से चित्र बनाना शुरू किया। जिस दिन उसका चित्र पूरा हुआ तो वो अपने पहले चित्र को भी लेकर जेल में आया और दोनों चित्रों को पास पास रखकर देखने लगा कि भाई कौन सी मेरी ज्यादा मैंने अच्छा पेंटिंग बनाई है। और ये तय करना वाकई बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो उसने भगवान के समरूप चित्र बनाया था वो भी बिल्कुल पुण्यों को दिखाने वाला था, और जो उसने शैतान का बनाया था वो भी बिल्कुल पाप को दिखाने वाला था। और जो वो पेंटर था ना, खुद अपनी कलाकारी के ऊपर, अपने किए काम के ऊपर बड़ा बड़ा खुश हो रहा था कि देखो मैंने कितना महान काम किया है, किसी के लिए ये करना पॉसिबल नहीं है, और मैंने 2 ऐसे आदमियों को ढूंढा और उनका ये चित्र बनाया। और खुद ही अपने आप को सराहा रहा था कि देखो मैंने कितनी सुंदर बनाई है। और इसको तय करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा बना है। जो भी इंसान उस चित्र को देखेगा, उसको देखते ही भगवान का और शैतान का फर्क साफ साफ दिख जाएगा। अब वो चित्रकार उसको बैठा हुआ देख रहा था और बड़े अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा था
तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अब उसने पीछे पलटकर देखा तो जिस कैदी को देखकर उसने शैतान का चित्र बनाया था वो जंजीरों में बंधा हुआ था और रो रहा था। अब चित्रकार ने उसको देखा और उसको बोला, भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो दोनों चित्रों को देखकर वो बोला कि आपको शायद याद नहीं है, मैंने इतने दिनों तक आपसे ये बात छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन आज मैं हार गया। आपको ये बात नहीं पता कि जो पहली तस्वीर आपने बनाई थी वो भी मुझे ही देखकर बनाई थी, ये दोनों तस्वीरें मेरी हैं। 20 साल पहले पहाड़ पर जो आदमी, जो चरवाहा आपको मिला था वो मैं ही हूं, और इसलिए आज मैं रो रहा हूं कि 20 साल में मैंने जाने जीवन में क्या किया, किस तरह की यात्रा की, मैं स्वर्ग से नर्क में आ गया, मैंने पुण्यों से पाप की तरफ की जो ये यात्रा की है और आज मेरा क्या हाल हो गया है। और उस चित्रकार, उसकी बात सुनकर वो चित्रकार भी बहुत जोर से रोने लगा कि वाकई इन दोनों चित्रों से तो अब ये सार्थक होता है कि हर इंसान के अंदर भगवान भी है और शैतान भी है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि कौन सी चीज हमारे ऊपर हावी होती है। देखो जिस तरह का अगर आपके अंदर पेशेंस है तो इसका मतलब आपके पुण्य कर्म ज्यादा है, आपके अंदर जो भगवान का अंश है वो जोर पे है और इसीलिए आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते। पर अगर आपके अंदर शैतानियत, आपके जो पाप बहुत ज्यादा है या आपके अंदर जो शैतानियत वो प्रबल होगी ना, तो आप हर समय किसी की ना किसी का बुरा करने का सोचोगे। तो ये खुद की पहचान है और आप बताइए कि आपके अंदर क्या प्रबल है। विचार करो। राधे राधे।